नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक जॉब लेकर आया हूँ और आज का जो जॉब है वो रेलवे के ऊपर आया है और ग्रुप डी के जॉब है। आप सभी जानते हैं बहुत दिनों के बाद ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट आ रहा है और वो भी 95,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर है ऑल ओवर स्टेट में। हर कोई स्टेट में आपको जॉब मिलने का चांसेस है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए आप अप्लाई जरूर करिए। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन में आपके साथ करूंगा, उसके साथ आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी प्रोसीड्यूर दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा अपडेट है इस जॉब के ऊपर। तो फर्स्ट मैं डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे जो जॉब है वो करीबन करीबन 95,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है और यहाँ पे जो वैकेंसीज है, यहाँ पे माफी चाहता हूँ मैंने गलत लिख दिया, तो एक्चुअली 95,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आया है। तो यहाँ पे देखिए जो जॉब है वो मतलब ग्रुप डी के लिए है, पूरा का पूरा ग्रुप डी के लिए पोस्ट है और 18 से 33 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो जॉब है उसके लिए आपको सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है, पीडी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब पहले आपको रन लिया जाएगा, उसके बाद आपका मतलब फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये चारों स्टेप को आपको पास आउट करना होगा तभी आप फाइनली जॉब आपको मिलेगा। 22,500 से 34,400 तक पर मंथ सैलरी मिलने वाला है, इस तरीके से कुछ एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो ग्रुप डी का पोस्ट है तो आपको 30,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी देखिए एप्लीकेशन का जो फीस है, यहाँ पे SC ST OBC जनरल किसी हर किसी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो 10th स्टैंडर्ड और ITI दोनों कैटेगरी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब के लिए आपको डेट भी मेंशन किया गया है, मार्च मार्च से पहले आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी देखिए ऑफिशियली मैं वेबसाइट आपको विजिट करना पड़ेगा तो उसके ऊपर ही आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पे आपको जॉब का अपडेट मिल जाएगा तो आप इस वेबसाइट को चेक करते रहना और जब भी कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो आई होप जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर बने रहना। और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कंप्यूटर स्किल को सीखना चाहते हैं किसी भी जगह पे इंटरव्यू में आपको कंप्यूटर स्किल का जरूरत पड़ते हैं तो जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी रिलेटेड में आपके साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे शेयर किया हो, जाकर जरूर चेकआउट करना और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।